कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी आज? देखिए, मुझे लगता है कि कल लोकतंत्र की जीत हुई, और जिस तरीके से हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस ने साथ दिया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और सभी मीडिया कर्मियों का जिन्होंने पूरे दिन इस खबर को इस प्रकार से चलाया कि पंजाब पुलिस को हाथ पीछे खींचने पड़े। ऐसा कैसे हुआ बग्गा कि पहले तीनों राज्य की खाकी आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्म नहीं करती है, फिर आपको आपके घर से उठा करके लेकर जाया जाता है, हरियाणा में आपको रोका जाता है, और वहां से दिल्ली पुलिस देर रात आपको रिलीज करा देती है? देखिए, क्योंकि जो पंजाब पुलिस की किडनैपिंग थी वो इल्लीगल थी। पंजाब पुलिस के जितने भी पुलिसकर्मी थे 90% सिविल में थे, उन्होंने कोई नोटिस नहीं सर्व किया था, लोकल थाने में इन्फॉर्म नहीं किया। तो जिस तरीके से ये सब घटनाक्रम हुआ, जो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है, एमएम से परमिशन लेनी पड़ती है, आपको वारंट दिखाना पड़ता है, तो एक आतंकवादी की तरह इन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की कि आपके घर में 15 लोग घुस जाते हैं, आपको जबरन उठाते हैं, आपको चप्पल पहनने का, सिर पे पगड़ी पहनने का मौका नहीं देते हैं। तो ये एक अवैध तरीके से जो भी गिरफ्तारी हुई, जिस तरीके से कोई आतंकवादी होता है, तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल अगर सोचते हैं कि वो इस तरीके की चीज़ें करके हमें दबा लेंगे, तो हम दबने वाले डरने वाले नहीं हैं। इसका बिल्कुल उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा, और अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसार को झूठा बोला था, उनको माफ़ी मांगनी होगी। अरविंद केजरीवाल जी ने जो चुनाव में कहा था कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को 24 घंटे को जेल की सलाखों में डालेंगे, वो डालना पड़ेगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी है। आपको 5 नोटिस दिया गया, आपने एक भी नोटिस का जवाब नहीं दिया, और इसी वजह से ये कदम उठाना पड़ा। मैंने 5 नोटिस का जवाब दिया, और 2 नोटिस में मेरे वकील खुद वहां पे प्रेजेंट रहे, बाकी उनको मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और बाय पोस्ट, तीनों हर नोटिस का उनको जवाब दिया गया। तेजिंदर बग्गा को जहां तक मीडिया जानती है, आप इस तरीके से तो चुप रहने वाले नहीं है, इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, अगला कदम तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो दिखने जाएगा। एक बड़ा सवाल ये है कि आपको गुंडा कहा गया है, दंगा भड़काने का आरोप आप पर है, हिंसा भड़काने का आरोप आप पर है, और खुले तौर पर है। जिस पार्टी के अंदर अब्दुल्ला खान जैसे नेता हो, ताहिर हुसैन जैसे हीरे हो, और जिस पार्टी की एक नेत्री हरियाणा में 2 दिन पहले 5 साल की जेल में निशा सिंह गई हो, जो अरविंद का ये मनीष सिसोदिया की सहयोगी हो, उनके असिस्टेंट हो, मुझे लगता है कि उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, फिर दूसरों को बोलना चाहिए। तेजिंदर बग्गा लगातार सीएम से चुनौती ले रहे हैं, दिल्ली के सीएम से, दिल्ली में रहते हुए, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बदले की राजनीति है जिसके आप शिकार हुए? निश्चित रूप से, चाहे वो मेरे ऊपर एफआईआर हो, चाहे नवीन कुमार के ऊपर एफआईआर हो, प्रीति गांधी पे हो, कुमार विश्वास पे, कांग्रेस की नीति अलका लांबा पे, बेशक वो दूसरी पार्टी से है, लेकिन मैं आप स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर मेरे खिलाफ तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस भेजूंगा, तुम्हें अरेस्ट करूंगा, लेकिन इस तरीके से वो डरा नहीं सकते। ठीक है, शुक्रिया। तो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर सुन रहे थे। बड़ा आरोप लगाते हुए पंजाब पुलिस पर बग्गा ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से उन पर कार्रवाई की गई, साथ ही लोकल पुलिस को पहले इन्फॉर्म भी नहीं किया और उससे पहले उनको हिरासत में ले लिया। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का बड़ा आरोप पंजाब पुलिस पर, कल किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी से वापसी तक क्या कुछ हुआ, आपने लाइव इस वक्त तेजिंदर सिंह पाल बग्गा को एबीपी न्यूज पर सुना। बदले की राजनीति के तहत कार्रवाई की गई, बग्गा का बड़ा आरोप केजरीवाल सरकार पर कि बदले की कार्रवाई की गई है, गैर कानूनी तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई, पंजाब पुलिस ने गैर कानूनी काम किया, गैर कानूनी तरीके से उन्हें हिरासत में लिया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर उन्हें पंजाब की ओर रवाना किया गया। साथ ही बड़ा आरोप यह कि बदले की राजनीति के तहत केजरीवाल कार्रवाई कर रहे हैं, लोकल पुलिस को बिना इन्फॉर्म किए हुए उनकी गिरफ्तारी हो गई, उन्हें न चप्पल पहनने का वक्त दिया गया, न पगड़ी बांधने का वक्त दिया गया, उन्हें आतंकी की तरह गिरफ्तार किया गया, बग्गा का बड़ा आरोप। पंजाब ते पंजाबियों दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, एबीपी सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते डाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।